CSIR NET GRF 2013 जून क्वेश्चन कार्बन 13 से आया था नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए 4 मार्क्स का, जिसमें हमको साइक्लो ऑक्टेन के 3 आइसोमर दिए हैं ए बी सी, तो उनके हमें कार्बन 13 के नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं 4 मार्क्स का, और ऑप्शन दिए है 4 ऑप्शन, कौन सा राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत होते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी करोगे तो जो ऑप्शन आपका आया है गलत ऑप्शन आपका टिक हो गया तो -1 नंबर हो जाता है केमिकल साइंस CSIR नेट में। तो देखिए क्वेश्चन है, इन द ब्रॉड बैंड डीकपल्ड 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रम दे नंबर ऑफ सिग्नल्स अपेयरिंग फॉर द बाईसाइक्लो ऑक्टेन। इसका मीनिंग है कि आपके जो नंबर ऑफ कार्बन है 8 है तो उसको ऑक्टेन कहते हैं, बाई साइक्लो यानी दो साइकिल बनी हुई है, ये तीनों के तीन ए बी सी आपके क्या है आइसोमर है ए सी रिस्पेक्टिवली आर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ए बी सी 3 आपके बाई साइक्लो ऑक्टेन के स्ट्रक्चर है, इनमें हमें निकालने हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स वो भी कार्बन 13 के। तो ऑप्शन है 5, 4 and 8 फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड 3, 2 and 5 थर्ड ऑप्शन 5, 4 and 5 3, 2 and 8। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कार्बन 13 हो या प्रोटॉन NMR सिग्नल हो या कार्बन 13 NMR सिग्नल हो, तो उसमें ये देखा जाता है जिन जिन कार्बनों की इन्वायरमेंट सेम होता है उनके सेम सिग्नल आते हैं कार्बन 13 में हो या प्रोटॉन NMR सिग्नल में हो, देन जिनके इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के सिग्नल देंगे। तो हमें इसमें देना है केमिकल इन्वायरमेंट देखना होता है कि कैसे कार्बनों के सेम इन्वायरमेंट है और कौन कौन से कार्बनों के डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो बहुत आसान है, देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम, जो हमने स्ट्रक्चर बनाए इसी से करते हैं। इनके बोथ साइड ये देखते हैं कि सिमिट्री है या नहीं है, अगर सिमिट्री होगी तो चाहे वो कार्बन 1 हो या 10 हो या 2 हो तो उनकी जो सिग्नल आएंगे सेम आएंगे। तो देखिए यहां से सिमिट्री देखिए, 5 मेंबर ये है, 5 मेंबर इधर को है, तो हम इनसे बात करते हैं 1 1, देन 2 2 2 2। देखिए इस ये कार्बन का इन्वायरमेंट सेम है, क्यों, इसके बगल में कार्बन यहां फ्यूज्ड कार्बन है, ऐसे इसके लिए यहां कार्बन और यहां फ्यूज्ड कार्बन है, जैसे केमिकल इन्वायरमेंट इसके लिए है वैसे इसके लिए है, तो 2 कार्बन आपका सेम सिग्नल देंगे 1 सिग्नल, तो इसमें हमने क्या लिख दिया 1 1। अब इधर देखिए इसका इस साइड इसका CH2 है, इस साइड CH है, इसका भी इस साइड क्या है CH है, इस साइड CH2 है, इधर CH है, तो ये 2 2 इनका तो केमिकल इन्वायरमेंट सेम हो गया। देन जैसे ही इनका है वैसे ही केमिकल इन्वायरमेंट इसका भी है CH2 CH CH2 CH, तो 1 2 3 4 4 कार्बन आपका सेम सिग्नल देंगे, कैसा सिग्नल 2 सिग्नल, देन ये वाला कार्बन 3 3, तो टोटल कितने हो गए, ये देगा आपका 3 सिग्नल, कार्बन 13 3 सिग्नल देगा कंपाउंड ए बाईसाइक्लो ऑक्टेन जो स्ट्रक्चर आइसोमर का, ये देगा 1 स्ट्रक्चर। सेकंड में देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये भी ऑक्टेन, 1 1 1 1, देन 1 1, इन सबका 6 कार्बनों का सेम सिग्नल आएगा, केमिकल एनवायरमेंट सेम है, देखिए CH2 CH2 जैसी है, इसके बगल में क्या है फ्यूज्ड है, देन और यहां पर ये है, यहां पर CH है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 6 कार्बन 1 सिग्नल देंगे, देन लास्ट वाला बचा 2 2, तो ये वाला बाईसाइक्लो ऑक्टेन कार्बन 13 में देगा 2 सिग्नल, देन लास्ट वाला है 1 2 2 3 3 4 5 5, तो इनके सिग्नल आगे सी के
5। तो कौन कौन सा आया, बाईसाइक्लोक्टेन के 3 आइसोमर है ए बी सी, इनका जो आया है 3, 2, 5। तो देखिए 3 ए का 3, बी का 2 एन सी का 5। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो चुका है। देन ज्यादा हमने इसमें कोई रफ वर्क किया नहीं है, जो स्ट्रक्चर हमारे बने हैं उसी में हमने केमिकल एनवायरनमेंट से देखा, सेम केमिकल एनवायरनमेंट का सेम सिग्नल, डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले कार्बन के डिफरेंट सिग्नल। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 3, 2 एंड 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।